दुनिया में कोई भी चीज लाजवाब नहीं, वो आगे ही नहीं जिसमें ख्वाब नहीं। दुनिया में कोई भी चीज लाजवाब नहीं, वो आंखें ही नहीं कि जिसमें ख्वाब नहीं। अरे आएंगे दुनिया में कई साहब, लेकिन अरे मेरे बाबा साहब से बढ़कर कोई साहब नहीं। मेरे बाबा साहब मुझे कोई साहब नहीं। इसलिए तो कहूंगा क्या, और जब से भी मैं भारतवासियों का बेड़ा पार हो गवा। क्योंकि बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, पढ़ो गीता और कुरान, बाइबल पढ़ो। मेरे ओबीसी भाई जितने भी हो तवज्जो के साथ में सुने कि बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, पढ़ो गीता और कुरान, और उसमें से अपना लो वो जितने हैं इंसानियत का ज्ञान। बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, पढ़ो गीता और कुरान, और उसमें से अपना लो जिसमें है इंसानियत का ज्ञान। भारत के घर घर में अगर देखना चाहते हो इंसान, तो बच्चों को स्कूल में पहले पढ़ाओ भारतीय संविधान। ये जो मैंने शेर सुनाया अभी और ये गाना, दोनों सुप्रसिद्ध कवि और प्रबोधनकार अंबेडकर मिशन मूवमेंट के हमारे अनिरुद्ध जी शिवाड़े साहब, इनका गाना और इनका शेर है। क्या बात है दादा, बहुत अच्छे। पर तुम तो होश में, क्या बात है दादा, बहुत बढ़िया। लेकिन बहु बेटिया अब पढ़ने लगी है, बड़े बड़े पदों पर चढ़ने लगी है। बहु बेटिया अब पढ़ने लगी है, बड़े बड़े पदों पर चढ़ने लगी है। या काका, या, वाह वाह वाह, क्या बात है। काय नाव है आपला? सुना है आली जनाब खूब पीते हैं, सुना है आली जनाब खूब पीते हैं, मिल जाए फोकट की तो बेहिसाब। शराब शराब बेचकर जिसने अपना मकान बनवाया था, आज उसी के बच्चे वो मकान बेचकर शराब पीते हैं। चुनकर देते हैं सरकारें वो भीम का दिया मताधिकार है। अरे चुनकर देते हैं सरकारें वो भीम का दिया मताधिकार है, जो ना चले कानून से सरकारें उनका अब धिक्कार है। भारतीय महिलाओं
को कहते हैं पहले भारतीय संविधान को पढ़ो। अरे प्रेगनेंसी में जो मिलती है छुट्टी वो भीम का दिया वरदान है। नहीं नहीं नाव सांगा ना बर बर नहीं सांगितलं त्यांनी जे काही नाव असेल त्यांचं जोरदार टाळा झाला पाहिजे आमच्या पैसा क्या बात है। हो मर्दो जैसे मैला गावी वो सरकार हुई गवारे भैया। अरे भारतवासियों का अरे भारतवासियों का अरे भारतवासियों का सरकार हुई गवारे। हमारे नागपुर के मशहूर साउंड सर्विस हमारे अशोक भाऊ इनकी इनके लिए भी जरा जोरदार ताली हो जाए। ऊन असो हिवाळा असो पावसाळा असो प्रत्येक ऋतू मध्ये आपला अंग भाजल तरी शेती करणारा या देशातला प्रामाणिक माणूस म्हणजे शेतकरी। त्याला कसली सुट्टी नाही त्याला कसले संतिवार नाही किती वादळ वाळा असो तरी तो पेरणी केल्याशिवाय राहत नाही। जे पेरलं ते उगवल त्याची सुद्धा गॅरंटी नाही। परंतु किसान मजदूर जिस पर है पलता लेकिन एसी में बसर करते हैं चोटी निकालने वाले एसी में बसर करते हैं एंटीने वाले एसी में बसर करते हैं चोटी निकालने वाले और फुटपाथ पर सोते हैं मोती निकालने वाले। अरे मनोज राजा खुले आम आत्महत्या कर रहे हैं इस धरती का सीना चीर कर रोटी निकालने वाले। धरती का सीना चीर कर रोटी निकालने वाले के लिए मुनव्वर राणा साहब कलकत्ता से लिखते हैं। जो बच्चे रेल के डिब्बों में झाड़ू लगाते जो बच्चे रेल के डिब्बों में झाड़ू लगाते फरिश्ते उनकी जिस्म पर खुशबू लगाते जो बच्चे रेल के डिब्बों में झाड़ू लगाते फरिश्ते उनके जिस्म पर खुशबू लगाते सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर। अरे मजदूर कभी नींद की गोलियां नहीं खाते। शेर दे रहा हूं दादा क्योंकि ये शहर आष्टी है इधर वरुण लगकर यहाँ पर गाना बजाना सुनते नहीं खाते हैं। ये आष्टी एक ऐसा शहर है जहाँ इंडिया का कोई कव्वाल नहीं छुटाऊंगा जो आया नहीं। यहाँ पे आड़े तेड़े को बर्दाश्त ही नहीं करते इसलिए मेरा फर्ज है नया नया आप लोगों को सुनाना। इस पुराना पोतिंग पितारा नहीं आए को तुम्हारा बिल्कुल नए में। अभाव में जीते हैं उमंगों में नहीं मरते रंगदारों की तरह किसी रंगों में नहीं मरते। मनोज राजा बलि चढ़ते हैं यहाँ एससी एसटी ओबीसी के बच्चे। अरे मनुवादियों के बेटे कभी दंगों में नहीं मरते। मनोज राजा बलि चढ़ते हैं यहाँ एससी एसटी ओबीसी के बच्चे।
वनवादियों के बच्चे कभी दंगों में नहीं मरते, इसलिए तो मेरा कहना है क्या सुनेगा। किसान मजदूर जिस पे पड़ता संविधान पर ये भारत चलता। शायर अनिरुद्ध जी शेवाड़े साहब लिखते हैं क्या, जातिवाद को, जातिवाद को तोड़ा भी मैंने, हिंसा को हिंसा से जोड़ा है भी मैंने। इतना सब मेरे बाबा साहब ने दिया। आज बाबा साहब की बदौलत कितने लोग हमारे समाज में ऑफिसर डॉक्टर कलेक्टर बने हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग समाज को समय नहीं देते। फक्त आपलं झालं काम, काम झालं मायानं का करू तू। जोपर्यंत योजनेचा फायदा घ्या सराला तोपर्यंत मले द्या। मी एससी एससी आणि योजना घेऊन झाल्यावर हम आपके है कोण। अरे रे 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 अरे खुशहाली और बरकत का ये मंजर नहीं होता। माझ्या बाबा साहेबाला विसरणाऱ्या, अरे खुशहाली और बरकत का ये मंजर नहीं होता। अरे बेघर ही रहता तू, रहने को घर नहीं होता। तू आज शर्माता है जय भीम कहने से, मगर मेरा भीम ना होता तो तू कभी अफसर ना होता। क्योंकि वो मंदिर का प्रसाद भी खाता है और मस्जिद भी खीर भी खाता है। वो मंदिर का प्रसाद भी खाता है, वो मस्जिद की खीर भी खाता है। वो भूखा है साहब, उसे कहा मजहब समझ में आता है। वो भूखा है साहब, उसे कहा मजहब समझ में आता है। लेकिन मेरे मुस्लिम भाई भी तवज्जो के साथ में सुने कि अपना दिल खुद ही धूल करता है। कमर एजाज साहब लिखते हैं कि अपना दिल खुद ही धूल करता है और बातें फजूल करता है। जो दुआएं लेता है यहाँ किसी की, खुदा उसी की दुआएं कबूल करता है। जो लोग कहते हैं या देशात टीव्ही वर बातमी पत्रामध्ये बातम्या बातमी पत्रामध्ये सांगितलं जातं, हा देश मुसलमानांचा नाही, हा देश अमक्यांचा, हा देश तमक्यांचा। कोणी म्हणतो हिंदू खतरे में है, कोणी म्हणतो मुसलमान खतरे में है। परंतु मी म्हणतो ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। सही मायने में देखा जाए तो इस भारत का संविधान खतरे में है।